Good morning everyone, today is 13th of September and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in the Hindu. As we all know ki newspaper hamare question ke liye bahut zyada important hai, but complications kahan aate hai ki padhna kya hai, kaise padhna hai, kaise usko static jo hamara syllabus hai uske sath link karna hai. To basically aaj main is video mein aapko yahi guide karungi ki aapko kya kya padhna hai, kya important hai aur usko apne syllabus se kaise link karna hai, theek hai, aur kaise kis cheez ke notes banane hai, ye sab aapko is video mein samajh aa jayega bahut acche se, theek hai. Let's start. Jaise first page par hi yahan pe news aayi about nipah virus ने दो डेथ हो गई निफा वायरस की वजह से केरला के अंदर. तो अब यहाँ से हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए निफा वायरस के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, निफा वायरस है बेसिकली जूनोटिक डिजीज़ है जो कि एक बैट से होती है, एक वायरस है ये, ठीक है. आपको पहले यहाँ पर यही पता होना चाहिए कि ये वायरस है या बैक्टीरिया है, यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है. तो निफा एक बेसिकली वायरस है जो कि बैट से होता है और जूनोटिक डिजीज़ है बेसिकली, और ये ह्यूमन्स और एनिमल्स दोनों को हो सकता है और बहुत ज़्यादा हाई मोर्टेलिटी होती है, डेथ केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें. ये जो ज़्यादातर होता है मोस्टली आपको नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया में ही देखने को मिलता है, बिकॉज वहाँ पे ऐसी ह्यूमिडिटी एंड कंडीशंस होती हैं जिस जहाँ पे ये निफा वायरस इजीली स्प्रेड हो जाता है. इंडिया में भी आप देखोगे तो साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है, नॉर्थ इंडिया में इसके केसेस नहीं मिलते हैं, ठीक है. तो निफा वायरस के बारे में पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है. उसके बाद यहीं पे पेज नंबर 1 पर ये न्यूज़ है रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में. जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो डाउन हो गया, बट फूड जो प्राइसेस हैं वो अभी भी हाई है. तो यहाँ से एक तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए कि अच्छा इन्फ्लेशन के बारे में पता रहना चाहिए क्या स्टेटस चल रहा है इंडिया में. तो अब यहाँ से आपको पता हो रिटेल इन्फ्लेशन क्या होती है. जो रिटेल इन्फ्लेशन है बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो CPI, हम आप सबको पता होगा CPI बेस्ड इंडिकेटर होता है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हम निकालते हैं बेस्ड ऑन रिटेल प्राइसिंग, तो उसी को हम रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है. और जो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे हाउस होल्ड में जितनी भी परचेज होती है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंज्यूमर बेस है, ठीक है, कंजम्पशन कर रहे हैं हम अपने नॉर्मल हाउस होल्ड में, उसकी इन्फ्लेशन को हम CPI या फिर रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं. तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो डाउन हो रही है, महंगाई कम हो रही है बेसिकली आप कह सकते हैं, बट जो फूड प्राइसेज हैं वो स्टिल हाई हैं, ठीक है. फिर यहाँ पे एक न्यूज़ है लीबिया सिटी, मतलब लीबिया एक कंट्री है अफ्रीका में, आपको पता होगा वहाँ पे जो फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं उसकी वजह से 2300 डेथ्स हुए, जो कि बहुत ज़्यादा है. तो एक तो इस न्यूज़ को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं. एक, हमारे जहाँ भी मेन्स में डिजास्टर, फ्लैश फ्लड्स या क्लाइमेट चेंज इन सब की बात होगी तो वहाँ पर इस न्यूज़ को एज ए केस स्टडी मैंसन कर सकते हो आप, एज ए एग्ज़ाम्पल मैंसन कर सकते हो. सेकेंडली, आपको लीबिया सिकन जो है वो कहाँ पर है उसके बारे में प्रीलिम्स के लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है. वो मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है. ये देखो जो लीबिया है हमारी, ये नॉर्थ अफ्रीका में एक कंट्री है, मेडिटेरियन सी को बॉर्डर करती है और इसकी कैपिटल है त्रिपोली, ठीक है. इसकी बॉर्डरिंग स्टेट की बात करें तो यहाँ पर इजिप्ट है, तुनिशिया है, अल्जीरिया है, नाइगर है, चाड है और सूडान है. तो ये सब आपको पता होना चाहिए. जब भी किसी भी चीज़ का नाम मेंशन होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है. हम कहते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे, पता नहीं लग रहा कहाँ कहाँ पढ़े, ऐसे ही पढ़ना होता है हमें लिंकेज बना के, ठीक है. फिर इसके बाद दोबारा अपने न्यूज़पेपर पे चलेंगे, हम मूव करेंगे पेज नंबर 4 पर. पेज नंबर 4 पर यहाँ पर यह न्यूज़ आई है अबाउट नरेगा. अब क्या हो रहा है, जो नरेगा के वेजेस है वो डिले है, वो हमेशा ही न्यूज़ में रहता है नरेगा के वेजेस के बारे में. अब अगेन ये मेंस और प्री में कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है. जो मेंस में जहाँ भी नरेगा की बात आएगी, जहाँ भी उसके ड्रॉबैक्स की बात आएगी, इश्यूज़ क्या आ रहे हैं नरेगा में क्या, मतलब जो वर्कर्स है लेबर्स है उनको क्या इशू फेस करने पड़ रहे हैं, वहाँ पर ये आप केस स्टडीज़ हमेशा मैंसन करोगे. बिहार मुजफ्फरनगर की केस स्टडी है, आप एज ए केस स्टडीज़ को बना लोगे, ठीक है. जहाँ भी ये चीज़ आएगी हमेशा हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है. और अब बात करें तो प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स में ऑब्वियसली आपको नरेगा के बारे में पता होना चाहिए. MG नरेगा क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है.
क्या ये कब प्रोवाइड किया जाता है, किसको प्रोवाइड किया जाना जाता है, ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, तो ये 100 days ऑफ वर्क होता है जो कि रूरल नॉन स्किल्ड लेबर को प्रोवाइड किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या, नॉन स्किल्ड लेबर को। ठीक है, 15 days जब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे विदिन 15 days उनको प्रोवाइड किया जाता है 100 days, एक साल में 100 दिन कम से कम ये प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छा फीचर जो है, वुमेन और मैन दोनों को इक्वल वेजेस दिए जाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ये स्टार्ट हुआ था 2006। ठीक है, फर्दर भी आप इसको पढ़ लेना, बट ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे डायरेक्टली पेज नंबर 9 पर। यहाँ पर ये न्यूज़ है मणिपुर की। ठीक है, मणिपुर में कोई वॉयलेंस हुआ है उसके बारे में न्यूज़ हमारे लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ से हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो जो कुकी जो के बारे में मेंशन और इधर मैती के बारे में मेंशन है। दोनों ही ट्राइब हैं जो कि मणिपुर से बिलोंग करते हैं, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। तो जब प्रीलिम्स में यहाँ ये ट्राइब मेंशन होंगी तो आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में। दो ट्राइब अगेन, कुकीजो एंड मैती। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 10 पर। ठीक है, यहाँ पर एक ये आर्टिकल एडिटोरियल है इलेक्शंस के बारे में। बेसिकली अब बात हो रही है साइमल्टेनियस इलेक्शन की, वन नेशन वन इलेक्शन की। मोस्टली आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे वो फेवर में ही मिलेंगे कि हाँ जी कराना चाहिए। ऑब्वियसली जो दो सबसे बड़े फ़ायदे हैं हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन के, पहला तो ये कि वो कॉस्ट है जो हम बार बार इलेक्शन करके कॉस्ट हमारी ज़्यादा लगती है वो डिक्रीज हो जाएगी, कॉस्ट कम होगी। सेकेंड क्या है कि जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है जो हमेशा इलेक्शन कंपेन में इलेक्शन मोड में रहती है, उनका ध्यान इलेक्शन पे रहता है, गवर्नेंस की तरफ नहीं रहता। तो जब 5 साल में एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे तो बाकी के 4 साल हैं जो उनका ध्यान है वो गवर्नेंस की तरफ रहेगा इलेक्शन से हटा के। ये दो मेजर बेनिफिट हैं, इसके बारे में सब बात करते हैं। बट जो उसकी नेगेटिव्स हैं अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करेंगे तो उस बारे में ये आर्टिकल है, क्योंकि जो आपका मेंस में क्वेश्चन आएगा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि इसके बारे में मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, इवन जो अभी मेंस होगा, इवन जो नेक्स्ट ईयर मेंस होगा। तो उसमें आपको फेवर और अगेंस्ट दोनों में लिखना होता है, तो फेवर के भी आपको पता होंगे और अगेंस्ट के आप यहाँ से ले सकते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसी पेज नंबर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है अबाउट रोग चैनल। ठीक है, बॉर्डर में। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि रोग चैनल कौन सा है। बेसिकली हम हिंदी में इसको बोलते हैं हरामी नाला। ठीक है, ये हरामी नाला कहाँ पे, सर क्रीक एरिया है जो कि गुजरात में वहाँ पे है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये मार्सी एरिया है एकदम, और यहाँ पे अभी जो हमारे जो अमित शाह हैं होम मिनिस्टर हैं वो गए थे और वहाँ उन्होंने इनॉग्रेशन की थी, किसकी, चिड़िया मोड़, बायरबेट लिंक रोड और ओपी टावर, उसकी इनॉग्रेशन की है जो PSF की, वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लिए, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। अब पहले अब ना प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये दोनों, जो इंफ्रा की बात हुई चिड़िया मोड़, बायरबेट लिंक रोड और ओपी टावर की, कहाँ है आपको पता होना चाहिए, हरामी नाला एरिया, रोग चैनल, सर क्रीक एरिया, गुजरात, इस टाइप से कुछ भी आ सकता है, आपको आइडिया होना चाहिए, पहली बात तो ये। पर अब मैं बात करूँ जो सर क्रीक एरिया है, हरामी नाला है, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों मतलब हमारे जो जियो पोलिटिकल इशू के लिए, जियो पोलिटिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात ये अराउंड 25 किलोमीटर लॉन्ग एरिया है जो कि वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, इस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ये मार्सी एरिया है, ठीक है, मतलब वाटर रहता है इसमें और जो ग्रासेस हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वैसा कुछ है। ठीक है, प्रॉपर लैंड नहीं है वहाँ पर, मार्सी है, वाटर का फ्लो रहता है। ठीक है, और जो पाकिस्तान की साइड है ना वहाँ पे, यहाँ पे ना इन्होंने चीनी बांध बनाया हुआ है, चीनी बांध। ठीक है, बेसिकली चाइना ने डैम बनवाया था, चाइना की हेल्प से डैम बनवाया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान में इस एरिया में स्टेबिलिटी है, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मूव कर रहा है विद टाइम, इंडिया की साइड एक्सटेंड होता जा रहा है, जिसकी वजह से बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, टेरिटोरियल क्लेम्स हो रहे हैं, इंडिया अलग इसको
एरिया को क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान अलग से क्लेम कर रहा है, तो इस पे टेरिटोरियल इशू है इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। फिर मैं बात करूँ तो ये एरिया है जो रिच है काफ़ी फिशिंग में, ठीक है। यहाँ पे जो पेट्रोलियम गैस ऐसे सोर्सेज पाने की भी मतलब पॉसिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बट इस एरिया को अगेन सिक्योरिटी पर्पज से हम देखें तो बहुत डिफ़िकल्ट है अप्रोच करना, क्योंकि अगेन फिर वही बात है, मार्सी एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर टाइड्स आती रहती हैं, हाई एंड लो टाइड्स दोनों से अफेक्टेड है। तो टेररिज्म हो गया, इन्फिल्ट्रेशन, ड्रग स्मगलिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस जो एरिया को सिक्योर करना या सिक्योरिटी देना बहुत डिफ़िकल्ट था बीएसएफ के लिए। तो उसके बाद हमने मंगाए एटीवी इटली से। अब एटीवी क्या है? ऑल टेरेन व्हीकल्स, जिससे इस टाइप के किसी भी एरिया को इजीली हम सिक्योर कर सकते हैं, इजीली उसमें पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो आपको अब यहाँ से एटीवी याद रखना है, इटली से हमने मंगाए थे, ठीक है। उसके बाद ये एरिया हमारा काफ़ी सिक्योर है, ठीक है। ये सब इस आर्टिकल में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा से बता रही हूँ, बट आपको ये आर्टिकल भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा ना इस एरिया के बारे में। ये एरिया जो मैं बात कर रहे हैं हम सर क्रीक एरिया की, ठीक है, जो हम अभी इंफ्रा की बात कर रहे हैं, हरामी नाला की बात कर रहे हैं, ठीक है। गुजरात में, यहाँ पे आप देखोगे गुजरात के एरिया में है, ठीक है। सर क्रीक जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ना, ये क्लेम की जाती है पाकिस्तान के द्वारा कि जी हाँ जी ये बॉर्डर है, और ये जो रेड लाइन है ये इंडिया क्लेम करता है, ठीक है। तो जो ग्रीन लाइन है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम सी का भी अगर आगे एरिया देखें तो उनका पाकिस्तान के पास ये एरिया चले जाता है, बट इंडिया के अकॉर्डिंग ये है। तो ये क्लेम है सी पर भी और लैंड पर भी, दोनों टेरिटोरियल इशू चल रहे हैं। अब आपको इस एरिया के बारे में पता रहना चाहिए कि कहाँ है, कौन सी जगह पर है, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन अपने न्यूज़पेपर की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद पेज नंबर 12 पर, यहाँ पर ये एक न्यूज़ है क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट फिनोमिना एंड फूड सिक्योरिटी के बारे में। बेसिकली इल नीनो की बात हो रही है, इल नीनो है वो कैसे साउथ ईस्ट जो अपना मॉनसून आता है उसको कैसे इम्पैक्ट करता है, देन फर्दर वो कैसे फूड सिक्योरिटी को हमारे को इम्पैक्ट करता है, फिर वो उसकी वजह से कैसे इन्फ्लेशन, वो सब कुछ बहुत अच्छे से इस आर्टिकल में बताया गया। तो पढ़ना है आपको मेंस के पर्पज से, कहीं भी चीज़ें आए, इन्फ्लेशन इकोनॉमी में भी आ सकता है, GS1 में भी आ सकता है, ये सब तो आपको मेंस के अकॉर्डिंग तैयार करना है। बट जब हम बात करेंगे प्री की, तो हमारे लिए जहाँ पे ये इल नीनो मेंशन है, इल नीनो इम्पोर्टेंट हो जाता है, देन इंडियन ओशन डायपोल की भी बात हुई है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इंसो की बात हुई है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए इन सब फिनोमिना के बारे में कि ये क्या है, ठीक है। अब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि जो इल नीनो होता है, जैसे इल नीनो होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है साउथ ईस्ट जो हमारा मॉनसून होगा उस पर, उसकी वजह से क्या होता है कि ड्राई सिचुएशन क्रिएट होने लग जाती है, इतना ज़्यादा जो रेगुलर है मॉनसून नहीं आ पाता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंटेंस रेनफॉल होती है, मतलब एक ड्राई पीरियड देन इंटेंस रेनफॉल, इंटेंस एकदम से सडन रेनफॉल होगी तो फ्लैश फ्लड्स आ जाती हैं, लैंडस्लाइड्स, अदर डिजास्टर आ जाते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम इवेंट हैपन होने लग जाते हैं, तो ये इम्पैक्ट होता है। दूसरी यहाँ पर बात की गई है ग्रीन एंड ब्लू वाटर की, ये बहुत ही अलग कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। ग्रीन वाटर उस वाटर को कहा गया है, ठीक है, जो रेन, जैसे फॉर एग्जांपल बारिश हुई, बारिश जो हमारे नीचे ग्रीनरी है, जो प्लांट है, क्रॉप्स है, उन्होंने उस वाटर को एब्जॉर्ब करा, उन्होंने उस वाटर को एब्जॉर्ब करा, वो प्लांट्स हमने खाए, तो हमने कौन सा वाटर लिया, ग्रीन वाटर। तो इस वाटर को जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू है या कुछ भी, इस वाटर को हम बोलते हैं ग्रीन वाटर, जो प्लांट्स के थ्रू होके हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और ब्लू वाटर जो हमारे रिवर्स, लेक्स, इन सब में है, वो ब्लू वाटर है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ग्रीन वाटर है जो प्लांट रेन के थ्रू लेते हैं। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जो इंडिया में 75% हम वाटर लेते हैं वो ग्रीन वाटर लेते हैं, 25% सिर्फ ब्लू वाटर लेते हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जैसे ही रेन फेड जो इम्पैक्ट होती है इंसो से, इल नीनो से, जो साउथ ईस्ट मॉनसून आता है हमारा, वो इम्पैक्ट होता है, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है किस पे, हमारे ग्रीन वाटर पे, उससे हमारी फूड सिक्योरिटी हैम्पर होती है, ठीक है, अच्छे से याद रखना।
अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जब ये सब हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है फूड प्राइसेस, हमने ऊपर बात करी थी सबसे फर्स्ट पेज पे ही हमारे पास न्यूज़ थी, फूड इन्फ्लेशन स्टिल 10% है, जो रिटेल इन्फ्लेशन की बात हुई थी, फूड इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो अब बात की जा रही है कि जब ये सब दिक्कत आ रही है हमें, तो हमें कौन सी क्रॉप्स के ऊपर मूव करना चाहिए जो कम वाटर ले, वाटर इंटेंसिव ना हो। तो बात आती है मिलेट्स की। मिलेट्स बेस्ट चॉइस है, इसलिए इंडिया आप देखेंगे मिलेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, मिलेट्स को प्रमोट कर रहा है। इवन अब जब G20 हुआ उसमें मिलेट्स के बहुत ज़्यादा फूड आइटम्स थे, हमने 2023 जो है वो मिलेट ईयर भी डिक्लेयर किया है। तो ये सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इल नीनो समझा दूँ, मैं एक सेपरेट वीडियो निकाल दूँगी इल नीनो, इंडियन ओशन डाइपोल, इन सब फिनोमिना पे। अगर आपको समझना है तो उस वीडियो को जाके देख लेना, आज ही शाम तक मैं निकाल दूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 16 पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो न्यूज़ आई है G7 सेव्ड, ये सब ना एक्चुअली ना अभी G20 हुआ है ना, तो उसके बाद की जो न्यूज़ है कि किस कंट्री का कैसे रिएक्शन रहा, किस कंट्री ने हमें सपोर्ट करा, वो सब आप गो थ्रू कर लेना। इन न्यूज़ में बहुत डीप में हमें नहीं जाना होता, कुछ न्यूज़ होती है जस्ट हमें आइडिया होना चाहिए, तो ये उसी टाइप की न्यूज़ है। सिमिलरली यहाँ पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता न्यूज़पेपर में कि हम एक एक डिटेल पढ़ रहे हैं, हमें जस्ट गो थ्रू करना होता है। यहाँ पर न्यूज़ आई जो साउथ कोरिया है वो के मतलब वहाँ पर बोल रहे हैं कि हम क्वाड ज्वाइन करना चाहते हैं। क्वाड आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US एंड इंडिया, चार कंट्रीज़ मिलके क्वाड ग्रुप बनाती हैं, ठीक है। तो साउथ कोरिया भी उसको ज्वाइन करना चाह रही है, हमारा साउथ कोरिया के साथ ऑलरेडी CEPA है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है हमारा साउथ कोरिया के साथ, ठीक है। अगर आपको ये देखो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता, ये पता होना चाहिए कि CEPA क्या है, क्वाड ग्रुपिंग क्या है। अगर नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं इस चीज़ पे सेपरेट वीडियो निकाल दूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, राजनाथ लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर न्योमा एयरफील्ड नियर LAC इन ईस्टर्न लद्दाख। अब यहाँ से प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि न्योमा एयरफील्ड कहाँ है जी, लद्दाख में। सिमिलरली यहाँ पे बात हुई है नेचीपू टनल की, हमें पता होना चाहिए नेचीपू टनल कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये दो चीज़ हमें यहाँ से प्रीलिम्स के लिए मिल गई, न्योमा का है लद्दाख में, नेचीपू का है अरुणाचल में। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए LAC क्या है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि हमारी चाइना के साथ है और हमारी इंडिया और चाइना के बीच में है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे 17 पेज पे न्यूज़ आई है, ठीक है, इंडस्ट्रियल आउटपुट के बारे में, ठीक है। इसको भी हमें अगेन बहुत डिटेल में नहीं जाना, हमें पता होना चाहिए कि अच्छा हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग पावर बढ़ रही है, हम इतना ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो होगी, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सेम पेज पर न्यूज़ है रशियन कंपनीज, ठीक है, मतलब बेसिकली जो है फर्टिलाइज़र सब, आपको पता होगा जो रशिया है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, फर्टिलाइज़र का, इवन वर्ल्ड में और इवन टू इंडिया, ठीक है। तो वो हम ओबियसली रशिया से ना डिस्काउंट में ले रहे थे फर्टिलाइज़र, अब वो रशियन कंपनीज डिस्काउंट देने बंद करने वाली है। न्यूज़ सिर्फ इतनी थी, इसके अंदर जाके कुछ नहीं पढ़ना है हमें, हमें जस्ट आइडिया होना चाहिए। अगेन अब यहाँ से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया की पोजीशन एज ए फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है प्रोडक्शन में फर्टिलाइज़र की, ठीक है। फिर आपको फर्दर पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में क्या है और यूरिया का क्या है, ये सब नाइट्रोजन में मैं बता देती हूँ सेकेंड है, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र में GS3 के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेंस प्री के अकॉर्डिंग दोनों को फर्दर पढ़ लेना, ठीक है। वहीं पेज नंबर 18 पे ये न्यूज़ है, जो नॉर्थ कोरिया के किम है वो पुटिन से मिलने गए हैं, अब इतनी क्लोजनेस हो रही है रशिया चाइना और नॉर्थ कोरिया, एक ग्रुपिंग बन रही है, तो ये ऑब्वियसली इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगी, जियोपॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, चाइना और रशिया का दोनों का डायरेक्ट इम्पैक्ट है इंडिया पे। रशिया हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्टर रहा है, हम बहुत कुछ इम्पोर्ट करते हैं, अभी ऊपर ऊपर पड़ा फर्टिलाइज़र इम्पोर्ट करते हैं, तो
अब यहाँ से क्या हो सकता है, जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, ऑब्वियसली जो नॉर्थ कोरिया है वो रशिया को प्रोवाइड करवाने वाला है सैटेलाइट और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वगैरह, तो उसका उस वॉर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो कोई भी न्यूज़ आती है ना, आपको ना हर तरीके से 360 डिग्री पढ़नी होती है। जैसे हमने भी यहाँ पे इस न्यूज़ को कि किम गए हैं, तो हमने इसको कैसे पढ़ा, रशिया यूक्रेन वॉर के एंगल से पढ़ा। फिर हमने कैसे पढ़ा, रशिया के जो इम्पोर्ट पे इंडिया का क्या इम्पैक्ट है, फिर चाइना का भी इम्पैक्ट पढ़ेंगे। तो ऐसे पढ़ना होता है, डिटेल स्टडी करनी होती है, ठीक है, यही सब होता है और कुछ नहीं होता है। थैंक यू सो मच।